Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous session we have discussed about the leadership, its features, and we have done with the three types of leadership styles. We have just have a brief introduction about the leadership styles. So generally there are three leadership styles, that is autocratic, democratic and free reign. तो उसमें क्या था कि हमने जो टॉपिक वी हैव डिस्कस वेरी ब्रीफली, इसमें मैंने तुम्हें ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के बारे में बता दिया था और फ्री रेन के बारे में बता दिया था. आज हम इन्हीं लीडरशिप स्टाइल्स को क्या है थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला जो लीडरशिप स्टाइल है दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं तो वो क्या है, सिंगल लीडर है, एक लीडर है वही क्या है अपने जो सबॉर्डिनेट्स है दैट इज देयर फॉलोअर्स उनको क्या करता है, गाइड करता है उनको भी क्या करता है, ही इज द सिंगल पर्सन हु गाइड्स, दैट इज दिस इज द सिंगल पर्सन. तो एक जो सिंगल पर्सन है जो लीडर है वही F1 को भी कर रहा है, F2 को भी कर रहा है, F3 को भी कर रहा है, F4 को भी और F5 को भी कर रहा है. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज द लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर टेंड्स टू रन द शो ऑल बाय हिमसेल्फ. मतलब जितना भी काम है, जो भी डिसीजन है, वो सारे के सारे एक सिंगल पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. ही इज द पर्सन हु डिक्टेट द टर्म्स एंड कंडीशन, ही इज द पर्सन हु कम्युनिकेट ईच एंड एवरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही इज द ओनली पर्सन हु सेट्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एम्प्लॉइज. तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, आज के टाइम में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ज्यादा प्रिवेल नहीं करता है. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ज्यादा प्रिवेल नहीं करता है क्योंकि हर एक एम्प्लॉई यही चाहता है कि जो भी डिसीजन लिया जाए वो मेरी क्या है, कंसल्टेंसी से लिया होना चाहिए. तो फर्स्ट फीचर इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, दैट इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. सारी की सारी जो अथॉरिटी है दैट इज सेंट्रलाइज्ड, दैट लाइज विद द सिंगल पर्सन दैट इज लीडर. तो लीडर के पास ही क्या है, सारी की सारी अथॉरिटी है और वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स से क्या करवाता है, काम करवाता है. नेक्स्ट कम सिंगल मैन डिसीजन. ईच एंड एवरी डिसीजन इज टेकन बाय अ सिंगल पर्सन दैट इज लीडर. तो ही इज द ओनली पर्सन हु डिक्टेट्स द टर्म्स एंड कंडीशन, ही इज द ओनली पर्सन हु डिक्टेट्स वी कैन से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ईच एंड एवरी डिसीजन इज टेकन बाय अ सिंगल मैन. देन थर्ड इज रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज. ऑटोक्रेटिक लीडर में लीडर को ये लगता है कि जो उसके अंडर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो उसके अंदर सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग द डिसीजन, इसलिए सारे के सारे डिसीजन वो लेता है. उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये है कि जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं वो क्या है, डिसीजंस नहीं ले सकते. तो देयर इज अ रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज. नेक्स्ट ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो इनकी बात नहीं सुनता है, वो फॉलोअर्स की बात नहीं सुनता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है. ओनली डाउनवर्ड, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं आती है. ये इनकी हिम्मत नहीं है कि वो लीडर को कुछ बोल देंगे, नो. ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज देयर. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. नेक्स्ट कम मैरिट्स. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स,
दैट इज हेड और टेल। तो अगर किसी चीज के एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहले हम करेंगे एडवांटेजेस। तो फर्स्ट वन इज क्विक एंड क्लियर डिसीजन। अब जब जो भी डिसीजन सिंगल हैंडेड होता है, जो डिसीजन एक बंदे ने इंडिपेंडेंटली लेना होता है, दैट इज वेरी क्विक एंड दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट। वो क्लियर होता है डिसीजन की उसने क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो वो डिसीजन भी बड़ा बहुत जल्दी लिया जाता है। जब कोई भी डिसीजन किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो डिसीजन क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। बट इसमें जो डिसीजन है दैट इज टू बी टेकन बाय अ सिंगल पर्सन, तो ये डिसीजन बड़ा क्विकली लिया जाएगा। नेक्स्ट सेटिस्फैक्ट्री वर्क। तो इसमें क्या है, जो काम होगा वो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होगा, दैट इज एज पर द कैन से दैट जो लीडर चाहता था उसके इच्छा अनुसार काम होएगा। तो द लीडर इज वेरी सेटिस्फैक्ट्री विद द वर्क, कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही काम हुआ, देन लीडर इज वेरी सेटिस्फाइड विद द वर्क अकम्प्लिश्ड, द वर्क डन बाय देयर सबॉर्डिनेट्स। नेक्स्ट नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज। तो वो कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए सूटेबल है हु आर वेरी लेस एजुकेटेड, हु आर लेस एजुकेटेड, वो उनके लिए ही क्या है ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो उनके लिए ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी फॉर द लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनके पास इतनी क्वालिटीज नहीं होती है कि वो एक इंडिपेंडेंटली क्या है काम कर सके। वो काम तभी कर सकते हैं जब उनको कोई ना कोई गाइडेंस दे। तो दिस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल ओनली फॉर द लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज। नेक्स्ट कम डीमेरिट्स। तो फर्स्ट वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जब हम क्या है जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स नहीं है उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं अगर उनका कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन नहीं है, उनको कोई शाबाशी नहीं मिल रही है, उनको कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, उनको एटलीस्ट इंसेंटिव भी नहीं मिल रहे हैं, तो देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन। तो दे विल बी वी कैन से लेस मोटिवेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग स्टाइल। एजुकेशन बाय एम्प्लॉइज। इसमें लीडर क्या चाहता है कि ये जो दे थिंक दैट कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर जस्ट लाइक मशीन्स, दे आर जस्ट लाइक मशीन्स, इनसे काम जितना मर्जी करवा लो ये नहीं बोलेंगे। तो अंदर अंदर एम्प्लॉइज क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल से, वर्किंग कल्चर से, जिससे वो क्या है अपना फुल पोटेंशियल तक काम नहीं कर पाते, दे बिकम्स इरिटेटेड विद द लीडर। नेक्स्ट वन पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी। समटाइम्स देयर इज अ चांसेस ऑफ पार्शियलिटी बिटवीन लीडर एंड द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को ये लगता है कि वो लीडर का रिश्तेदार होएगा या वो लीडर का बहुत क्लोज होएगा, तो कई बार क्या हो जाता है वो उसके साथ पार्शियल हो जाता है, कई बार वो उसके साथ क्या हो जाता है पार्शियलिटी करनी शुरू कर देता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी अमंग द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, and if you have any of the query please note it down on your notebook and I will sort out your queries in tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.